हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ मैं एक नई वीडियो के साथ। आजकल जो है ना, एथेरियम का जो एक प्लान आया ना, ये 2020 2020 2020 2020, समझो ये प्लान हिट हो रखा है। मतलब कि आपको रेडी टू मूव दुकानें, अंडर कंस्ट्रक्शन दुकानें, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए भी, और आपको अपनी खोलनी है उसके लिए भी ये प्लान फिट हो रखा है। तो प्लान तो आ ही गए हैं, पर प्रोजेक्ट के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो आज मैं जो प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, एथेरियम का सेक्टर 57 के अंदर SL3 में, सुशांत लोक 3 के अंदर पैरागोन जो प्रोजेक्ट है आपका। तो पैरागोन जो प्रोजेक्ट है ना, मुझे अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें काफी हद तक एक बसे हुए एरिया के अंदर चारों तरफ से बसा हुआ एरिया है। ऑलरेडी देखा जाए तो जितना बड़ा मॉल ये अभी ला रहे हैं, सेक्टर 57 में, 56 में, सेक्टर 51 के अंदर या सेक्टर 52 में, 3.5 एकड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा मॉल इस एरिया में इतनी बड़ी बसावट होने के बाद भी, नाना करते भी कम से कम अगर इसके आसपास देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार फैमिली तो रहती हैं। तो उसके बीचों बीच ये प्रोजेक्ट, और बताता हूँ, कॉमर्शियल मॉल के अंदर जो होना चाहिए, मतलब उसका फ्रंट बहुत होना चाहिए, तो एक्चुअल में यही है। ये प्लॉट ही शेरमुखा है, ये अक्ष फ्रंट ही फ्रंट है इसके अंदर, और सीधा थोड़ा सा टेपर में जाता है। तो इसका मतलब फ्रंट अच्छा होने की वजह से इसमें जो दुकानें हैं वो आपको ज्यादा बड़ी शोरूम टाइप की नजर आएंगी एथेरियम पैरागोन के अंदर। टोटल 14 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, नीचे लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट पे हाइपर मार्केट का इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि अभी यहां पर हाइपर मार्केट ही बनेगी, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट पे, और सेकंड से लेके फोर्थ फ्लोर तक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट जोन, ये सब इस तरह की चीजें उन्होंने, ब्रूरी, जिम, छोटे मोटे बैंकेट हॉल टाइप से, जो कि बहुत सख्त जरूरत है उस एरिया में, बैंकेट हॉल नहीं है, तो ये सब चीजें उन्होंने सेकंड और थर्ड फ्लोर पे दी हुई है पूरी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स भी है इसके अंदर। तो अभी देखो इस मॉल में क्या नहीं है, रिटेल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, इंटरटेनमेंट, सब चीजें इसके अंदर है। उसके बाद बताता हूं, फोर्थ फ्लोर पे क्लब भी है इसका, और फिफ्थ फ्लोर से लेके 14 फ्लोर तक इन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट दिए हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट डबल हाइट वाले, मतलब आप लेआउट देखोगे तो पता लग जाएगा आपको लेआउट कितना अच्छा है। तो मैंने बताया आपको बेसमेंट में कार पार्किंग है इसके, ऑलरेडी 3 बेसमेंट तो होते ही, आपको बताइए जी। 24 मीटर रोड पे है प्रोजेक्ट ये, ऑलरेडी ऐसी फील आती है इसके आसपास के जो प्लॉट है ना, जितने ही प्लॉट हैं वो सारे 800 से 1000 गज के प्लॉट हैं, इसके बराबर में भी, इसके सामने भी। ये एक रोड इस तरह की है जिसपे सुबह शाम लोग पूरा टहलने आते हैं। और बताता हूँ मैं, इसके आसपास में अगर मॉल देखा जाए तो 1 एकड़ में हांगकांग बाजार है, छोटी जगह में ना, मतलब कि आप बिक का वहां पे खुला हुआ है ओम स्वीट भी इतनी सी जगह में खुला हुआ है कि आप मुश्किल से उसमें 12-14 सीटिंग है। 12-14 सीटिंग के अंदर में कोई ओम स्वीट कभी देखा है? पर जगह ही नहीं है, खोलना पड़ा। डोमिनोज खुला हुआ है, ओनली 10 सीटिंग मुश्किल से बैठने के लिए, उसी में बनाना पड़ा। रेंटल की बात करोगे तो 400 से 500 रुपये रेंटल हांगकांग बाजार का रेंटल है। आप उसी से आइडिया लगा लो कि 400 से 500 अगर रेंटल है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, 80,000 से 1,00,000 रुपये। तो जहाँ पे 80,000 से 1,00,000 रुपये ऑलरेडी रेट है सेल का, तो वहां पर अगर उसके बराबर में वो 1 एकड़ का है जब इतना रेंटल है, अगर ये 3.5 एकड़ का ह्यूज बड़ा मॉल बराबर बन जाएगा तो लोग उसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। उसमें मल्टीप्लेक्स भी नहीं है, इसमें मल्टीप्लेक्स भी है। उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं है, उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट भी है पैरागोन में। मुझे जो दिखाई देता है, ये अगर मॉल जैसे ही बन के तैयार होगा तो नाना करते भी 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार ग्राउंड फ्लोर का रेट होना चाहिए। पेमेंट प्लान, दो पेमेंट प्लान है, अच्छे पेमेंट प्लान है। 50-50 का पेमेंट प्लान, 50% अभी दे दो, 50% पोजीशन पे दे दो अगर आपको वैसे ही नहीं करना है तो।
नहीं तो मुझे जो प्लान अच्छा लगता है पेमेंट प्लान में 20-20-20 वाला, 20% अभी दे दो आप, 9% का एश्योर रिटर्न स्टार्ट कर लो, फिर आप 20 दे दो आप 11% का एश्योर कर लो, फिर आप 20 दे दो आप 13% एश्योर ले लो, तो आपका 13% तक का एश्योर रिटर्न आता है। अगर 13% का एश्योर आ रहा है तो आप समझो कि अगर ये मॉल अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसका बेसमेंट से हल्का सा ऊपर आया है, तो अभी तो 3 साल इसमें लगने लगने हैं, तो 3 साल तक आपकी प्रॉपर्टी की अगर मैं हिसाब लगाता हूँ, और पैसा भी आपको 20 देना है, पूरा पैसा नहीं देना, दुकान आपकी है, लास्ट वाली मतलब अगली फोर्थ भी 20 आप दोगे और पांचवी जो 20% आएगा वो फ्री है। अब कॉस्टिंग कैसे निकलती है, पर लास्ट वाली 20 फ्री हो गई, 20% तो वो हो गया आपका, 13 × 3 3 साल में बनेगा कितना हो गया, 39% हो गया, 39 और 20 कितना हो गया, 59%, 59% आपको इस प्रॉपर्टी पे एक तरह से डिस्काउंट मिल गया, यानी कि आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 41% ही आपका पेमेंट जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। हो सकता आपने एक पेमेंट दी है या दूसरी दी है, तीसरी दी है, हो सकता तीसरी के बाद चौथी देनी ही ना पड़े, क्योंकि जो आपका पैसा है जो आपका इकट्ठा हुआ है वो आपका फोर्थ फोर्थ किस्त में आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा, और फिर वो एडजस्ट हो गया तो पांचवी तो देनी नहीं है। मैंने जो कोस्टिंग आपको बताई है, ये कोस्टिंग अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप जरूर मेरे को कॉल करो, बहुत बढ़िया है, मतलब कि इतनी अच्छी चीज निकाली है। अगर मान लो 4 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल में पोजिशन मिल जाती है, 1 साल आप उसको यूज भी कर सकते हो, ड्यूअल रेंटल हो गया, फोर्थ ईयर आपको अगर पोजीशन मिल जाती है तो 1 साल उसको फ्री रेंटल आपको मिल गया, आप उसको किराए पे दे दो तो आपको रेंटल मिल जाएगा, तो वहां से भी इनकम कर सकते हो आप। यानी कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 41 लाख रुपए जो मेरे को अभी कॉस्टिंग है, फिर बैठ के कॉस्टिंग लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो मैं आपको प्लान बताया मैंने आपको एश्योर रिटर्न का या रेंटल का, आप इस पे जाओ इसके ऊपर, मुझे लग रहा है इससे अच्छी बढ़िया चीज आज के दिन प्लान नहीं मिलेगा। ये प्लान कब खत्म हो जाए इसकी मेरे पास कोई वो नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते में भी, 7 दिन में भी, 8 दिन में भी, 10 दिन में भी, कभी भी ये प्लान खत्म हो सकता है। तो आप जितना जल्दी इसको समझोगे और इसको डील फाइनल कर पाओगे, तो आप टोकन दे पाओगे, आप डील कर पाओगे, लेकिन आप समझने में टाइम लगाओगे तो आपको 10 दिन तो समझने में लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को जैसे देखते हो वैसे आप फोन करो और आप मेरे से बात करो। थैंक यू।